नमस्कार, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में एक ऐसे पर्यटन स्थल के बारे में जहां आपको एक साथ रिवर और जंगल सफारी का मजा मिलने वाला है। बिहार सरकार इन दिनों प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य कर रही है। ऐसे में बिहार में नए नए पर्यटन स्थलों को विकसित किया जा रहा है ताकि लोग यहाँ पर आ सकें और प्रकृति का आनंद उठा सकें। ऐसे में प्रदेश के रोहतास और कैमूर जिले में स्थित दुर्गावती डैम में बहुत ही जल्द पर्यटकों के लिए सुविधा बहाल होने वाली है। लोग वहां जाकर प्रकृति का आनंद उठा सकते हैं। दुर्गावती डैम में पर्यटक नौका विहार एवं फॉरेस्ट सफारी का आनंद उठा सकेंगे। बता दें कि ऐसे में कोलकाता से 2 बोट को मंगवाया गया है, साथ ही साथ बोट संचालन का ट्रायल भी पूरा कर लिया गया है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि जुलाई महीने में पर्यटकों के लिए यह सुविधा बहाल हो जाएगी। बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्द NDRF की तरफ से नो ऑब्जेक्शन मिलते ही पर्यटकों के लिए यह सुविधा शुरू कर दी जाएगी। ऐसे में लोग जो है जंगल सफारी पहुँच कर या फिर आप जो है वहाँ बोट चला कर जो है अपना प्रकृति का आनंद उठा सकते हैं। उस पूरी प्रकृति का आप जो है सौंदर्यीकरण को है आप देख सकते हैं। आप जब एक बार कैमूर और रोहतास के बीच में स्थित यह जो दुर्गावती डैम है आप एक बार वहाँ जाएंगे तो आपको लगेगा कि क्या प्रकृति के बीच में यह एक सुंदरता जो है नायाब किस्म का सुंदरता आपको देखने को मिलेगा। दुर्गावती में पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए DFO प्रद्युमन गौरव ने बताया कि नौकायान के लिए कोलकाता से 2 बोट मंगवाए गए हैं, जिसमें यह बताया गया है कि एक बोट 25 सीटर है जबकि दूसरा बोट जो है 12 सीटर है। यह भी बताया गया है कि 25 सीटर वाले बोट से पर्यटकों को घुमाया जाएगा, वहीं 12 सीटर वाले जो बोट हैं वह रिजर्व में रखा जाएगा। इस बोट की खरीद को लेकर बताया गया कि इसमें 17 लाख रुपये की खरीद जो है वो देना पड़ा है। बोट को ध्यान में रखते हुए डैम के किनारे में फ्लोटिंग जट्टी का निर्माण किया गया है। ऐसे में यह बताया जा रहा है कि बोटिंग एवं फॉरेस्ट सफारी घूमने वालों के लिए राशि का निर्धारण कर दिया गया है। बता दें कि इस दौरान प्रत्येक व्यक्ति को 50 रुपये की राशि जो है बोटिंग के दौरान जो है आपको देना होगा। जब आप दुर्गावती पहुंचेंगे तो आप कहां कहां घूमने जा सकते हैं इसको लेकर बोलते हुए DFO ने बताया कि डैम में नौका विहार के साथ आप कैमूर अभयारण्य में पर्यटक फॉरेस्ट सफारी का आनंद उठा सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कैमूर डैम से बोट फिर पहाड़ों के बीच बहती हुई दुर्गावती नदी से फॉरेस्ट इलाके में आप प्रवेश करेंगे। यहाँ पर्यटकों को प्रकृति का मनोरम दृश्य देखने को मिलेगा। इस दौरान आप वहाँ पर अन्य वन्य जीवों को भी आसानी से देख सकेंगे। आप इस दौरान सिरगढ़ किला को भी देख सकते हैं। आपको बता दें कि यह बिहार का एकमात्र ऐसी जगह है जहां आप नौका विहार के साथ नौ पर फॉरेस्ट सफारी का भी पूरा आनंद उठा सकते हैं। यहां पर पर्यटक 4 किलोमीटर जंगल सफारी और 6 किलोमीटर डैम में रिवर सफारी का आनंद उठा सकते हैं। यहां पर यात्रियों को ध्यान में रखते हुए रेंज अधिकारी की भी जिम्मेवारी दे दी गई है। साथ ही साथ लोगों को बोट में लाइफ जैकेट भी दिया जाएगा। बताया गया है कि 50 रुपये देकर आप इस पूरे सफर का आनंद उठा सकते हैं। साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि 25 सीटर बोट से नदी के अंदर गुप्ता धाम की ओर 6 किलोमीटर तक नाव जाएगी। यहां पर पर्यटक नाव से उतरकर वन में घूमने जा सकते हैं या फिर कह लें कि जंगल का पूरा आनंद जो है यात्री वहां पे उठा सकते हैं। पर्यटकों के लिए यह एक मनोरम दृश्य और प्रकृति के बीच में अपने आप को होना यह एक जो है आम लोगों के लिए पर्यटकों के लिए काफ़ी सुखद होने वाला है। इसकी तस्वीरें यानी कि दुर्गावती डैम की जो पहली तस्वीरें या फिर कह लें कि इस किले की तस्वीर या फिर हम कह लें कि जंगल और रिवर फ्रंट की जो तस्वीर है उसे जिसने पहली बार देखा उसको विश्वास ही नहीं हुआ कि यह तस्वीर जो है बिहार से निकलकर सामने आई। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे ही खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।